हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 10, हैलोजन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड 12 का। कुछ लोगों के दिमाग में एक बड़े कॉम्प्लेक्सेशन चल रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं, काश ये वाला चैप्टर तीन ही पार्ट्स में ख़त्म हो जाता, काश ये वाला चैप्टर चार ही पार्ट्स में ख़त्म हो जाता। बट एक्चुअली अगर मैंने इसको तीन पार्ट में ख़त्म कर दिया तो सीरियसली बता रही हूँ, ये चैप्टर पढ़ने का कोई यूज़ ही नहीं है। अगर इस चैप्टर को तीन पार्ट में या फोर पार्ट्स में अगर मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया तो आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस पेपर में करते नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ाना हो जाएगा। और अगर ओनली चैप्टर पढ़ा दिया, क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे वो प्रैक्टिस नहीं करवाए, वो नहीं बताया, आइडिया नहीं दी उससे रिलेटेड, तो आप पेपर में क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक जो है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया आप लोगों को, फिजिकल और इनऑर्गेनिक जैसा बिल्कुल भी नहीं है, कम्प्लीटली उससे डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन का पढ़ने का पैटर्न जो होता है एग्ज़ाम में वो काफ़ी अलग होता है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ भी लिया, दिस डजन गारंटी कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में कर पाएंगे। पेपर में वही लोग ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर पाते हैं जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करते, अलग अलग कंपाउंड्स को लेके देखते और देख चेक करते कि उनको प्रोडक्ट बनाते आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसका हेल्प मिलता है। तो चलिए गाइज, देखते हैं हम लोग अपने आगे का पार्ट। तो अब जो आगे का पार्ट है आपका, वो है SN1 और SN2 के आगे का। SN1 और SN2 मैंने लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था। SN1 रिएक्शन में मैंने बताया था कि आपके कार्बोकटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और SN2 में मैंने आपको बताया था कि पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के साथ से मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वाले क्लास में कि कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं SN1 और SN2 के रिएक्शन के मैकेनिज्म को। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ SN1 और SN2 से रिलेटेड, तो वो तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 10.4 को और प्रॉब्लम नंबर 10.5 को। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में टफ लग रहा है। दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि हे भगवान, मैं ये क्वेश्चन को कैसे करूँगा, ओ माई गॉड, मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूँगा। बट टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस प्रॉब्लम 10.4 और प्रॉब्लम 10.5 जो कि SN1 रिएक्शन पे बेस्ड है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगेंगे मेरे पढ़ाने के बाद और समझाने के बाद। तो चलिए गाइज, देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करती हूँ SN1 रिएक्शन के मैकेनिज़्म की, अगर मैं बात करती हूँ, तो जो भी आपका SN1 रिएक्शन का मैकेनिज़्म होता है, उसमें आप लोगों ने देखा था कि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट? कार्बोकटायन के फॉर्मेशन होता है, कार्बोकटायन, दिस इज़ कॉल्ड एज C+, मतलब ही इसको कार्बोकटायन बोलते हैं। तो जो भी आपके SN1 रिएक्शन का मैकेनिज़्म होता है, उसका जो भी आपका रेट होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के ऊपर में। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जैसे रहेगी, जैसे कि आपकी C+ मतलब ही कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी रहेगी, उसी के ऊपर में रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का मैकेनिज़्म डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कार्बोकटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो आपके SN1 रिएक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर कार्बोकटायन बहुत कम स्टेबल है तो आपके SN1 रिएक्शन का मैकेनिज़्म का जो भी रेट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा कार्बोकटायन स्टेबल रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके SN1 रिएक्शन का रेट रहेगा, ठीक है भाई। चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपके ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.4 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 223 पर। प्रॉब्लम 10.4 ज़रा ध्यान से देखना, वो आपको ये बोल रहा है, प्राइमरी अलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक हलाइड्स शो हायर रिएक्टिविटी बाई SN1 मैकेनिज्म देन अदर प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई इस चीज़ में एक्चुअली बोल क्या रखा है। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि अगर आप प्राइमरी अलाइलिक हलाइड लेते हो, जैसे कि स्टार्टिंग वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी अलाइलिक होता है उसमें क्या होता है,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा होता है, इसी को आप अलाइलिक बोलते हो। ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से समझा के दिया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलाइलिक बोलते हो, ठीक है। तो ये जो आपका कार्बोकटायन रहेगा, आप इस कार्बोकटायन को क्या बोलेंगे, इस कार्बोकटायन को आप बोलेंगे अलाइलिक कार्बोकटायन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उसको कार्बोकटायन बोला है, और ये अलाइलिक है क्योंकि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक और कार्बन जुड़ता है तो आप उसको अलाइलिक बोलते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि यहाँ पे जो रेट होता है वो इतना फास्ट क्यों होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद में आगे मुझे बढ़ना है बेंजाइलिक की तरफ। ये हुआ आपका अलाइलिक, अब मुझे देखना है बेंजाइलिक को। अगर मैं बात करती हूँ बेंजाइलिक की, तो जैसे कि आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से याद होगा कि जो भी बेंजाइलिक होता है वो भी मैंने स्टार्टिंग वाले क्लास में बताया था, जैसे कि उसका नाम ही है बेंजाइलिक, उसका नाम ही है भाई बेंजाइलिक, मतलब उसके अंदर में कौन सी रिंग आने वाली है, बेंजीन रिंग, क्योंकि नाम बेंजाइलिक रिंग है तो बेंजीन रिंग तो भाई उसके अंदर में आने ही वाली है, समझे या नहीं समझे। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये है आपका बेंजाइलिक कार्बोकटायन, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों वे चलते हैं। अगर आप लोगों ने ऐसा लिखा है या आप लोगों ने वैसा लिखा है तो दोनों वे आपके लिखने के एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है गाइस, ये दोनों वे करेक्ट है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, जब बेंजीन रिंग से CH2 ग्रुप जुड़ता है तो उसको आप बेंजाइलिक बोलते हो, क्योंकि नाम ही बोल रहा है बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग से CH2 अटैच है। और अलाइलिक में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर CH2 ग्रुप अटैच है तो उसको आप अलाइलिक बोलते हो, ठीक है। फिर आपको वो बोल रहा है कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेके देखो, ये हुआ आपका बेंजाइलिक कार्बोकटायन। चलिए अब मैं लेती हूँ आपका अल्काइल कार्बोकटायन को। सपोज मैंने कोई भी लेटर से अल्काइल कार्बोकटायन ले लिया, CH3CH2+, ठीक है, ये है भाई आपका अल्काइल कार्बोकटायन। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस टेस्ट में भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, ज़रा ध्यान देंगे सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से, बस इधर देखेंगे सब समझ जाएगा उनको। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आप जब दुकान में जाते हो भाई, सारे के सारे लोग दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं, दुकान में जब आप शॉपिंग करने जाते हो या मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, एक हाथ से पैसे देते हो दूसरे हाथ से कपड़े लेते हो, समझ गए ना भाई। या तो आप चलो शॉपिंग सब्जी लेने चले गए मार्केट में, एक हाथ से पैसे देते हो दूसरे हाथ से सब्जी लेते हो, समझ गए ना। हर जगह पे भाई यही ट्रेंड चलता है। आप किसी भी काम के लिए अगर बाहर गए, लेटर से मुझे घर का किराना लाना है तो एक हाथ से मैं उसको पैसे दूंगी और दूसरे हाथ से मैं अपने घर का सामान किराना जो भी है वो लूंगी, मतलब हर तरफ मार्केट में क्या चल रहा है भाई, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। वैसे ही अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में भी क्या चलता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ये कार्बन इसको बोलता है भाई मैं मेरा पॉजिटिव चार्ज तुझे दूंगा, भाई मैं मेरा पॉजिटिव चार्ज तुझे दूंगा बदले में तू अपना डबल बॉन्ड मुझे दे दे, समझ गए ना। जैसे हम दुकान में जाते हैं पैसे देते हैं सब्जी लेते हैं, पैसे देते हैं सब्जी लेते हैं, पैसे देते हैं किराना लेते हैं, एक साइड से देते हैं दूसरे साइड से लेते हैं, उसी तरीके से ये कार्बन बोलता है भाई तू अपना पॉजिटिव चार्ज मुझे दे दे, मैं अपना डबल बॉन्ड तुझे दे दूंगा, एक साइड से तू अपना पॉजिटिव चार्ज मुझे दे दूसरे साइड से मैं अपना डबल बॉन्ड तुझे दूंगा। तो बिल्कुल यही वाला यहाँ पे हो रहा है। अब देखो भाई होगा क्या यहाँ पे होगा क्या, ज़रा ध्यान देना, ये है आपका CH2, जैसा था फिलहाल के लिए उसको वैसा ही लिखते, ये है आपका CH और ये है आपका CH2। अब देखो क्या होगा, ज़रा ध्यान देना भाई सारे के सारे, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आ गया, क्योंकि इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया और इसने अपना डबल बॉन्ड इसको दिया, तो अब डबल बॉन्ड कहाँ चले गया, यहाँ पे चले गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर गया और इसका डबल बॉन्ड इसके ऊपर आया, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं भाई रेजोनेंस, याद रखना है इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। एक साइड से किसी को देते हैं दूसरे साइड से लेते हैं, ये चीज़ आप सबको भी आती है और मुझे भी आती है, क्योंकि हम सब दुकान जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं भाई, यही तो काम करते हैं भाई और क्या करते हैं। तो बस इसने अपने इसको दिया, डबल बॉन्ड को लिया, समझे या नहीं समझे भाई। चलिए भाई चलिए यहाँ आ जाओ, यहाँ पे
यहाँ पे भी वही होने वाला है, यहाँ पे भी वही होने वाला है। एक बार रेजोनेंस को समझते हैं, फिर समझा के दे दियो आगे का पार्ट। यहाँ पे देखो भाई क्या होगा, ज़रा ध्यान देंगे सारे के सारे, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा। यहाँ पे हर तरफ जो मैंने ये लगाए हैं, ये सब कार्बन है आपके, ये सब क्या है भाई, ये सब कार्बन है। यहाँ पे क्या होगा, ये अपना डबल बॉन्ड इसको देगा, बदले में ये अपना कार्बन पॉजिटिव चार्ज इसको देगा। देखो ये अपना डबल बॉन्ड इस कार्बन को देगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखने के बाद ही समझेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता ये भाई। रेजोनेंस से आधे लोगों को तो रेजोनेंस देख के दिमाग उनका घूमने लग जाता है बस, क्योंकि रेजोनेंस भाई इतना पावरफुल है, मॉलिक्यूल को घुमा देता है। तो हम लोग क्या चीज़ है भाई, घुमा देता है वो आगे वाले को अगर नहीं समझा तो। देखो अब क्या होगा, ये था आपका CH2 ग्रुप, ज़रा ध्यान देना। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया और इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया। मतलब अब डील इन दोनों के बीच में हुई, इसने बोला तू अपना डबल बॉन्ड मुझे दे, मैं अपना पॉजिटिव चार्ज तुझे दूंगा। तो भाई यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दोनों एज इट इज़ थे, ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज़ है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना डबल बॉन्ड इसको दिया और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक बार समझ लो सब समझ जाएगा, एक बार बस समझने की देर है भाई, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इसको बोलेगा भाई ध्यान से सुनना, वो वाला उसको बोलेगा मैं मेरा डबल बॉन्ड तुझे दूंगा, बदले में तू तेरा चार्ज मुझे दे। बस वही होगा, ये अपना डबल बॉन्ड इसको देगा और बदले में इसका चार्ज इसके पास चले जाएगा, ये वाला एज इट इज़ रहेगा। ज़रा ध्यान देना क्या हो रहा है, इस कार्बन ने इस कार्बन को बोला भाई मैं अपना पॉजिटिव चार्ज तुझे दूंगा, मैं अपना पॉजिटिव चार्ज तुझे दूंगा, बदले में तू अपना डबल बॉन्ड मुझे दे दे। तो इसने अपना डबल बॉन्ड इसको दे दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले गया। अब देखो आगे और क्या होगा, आगे क्या होगा भाई, आगे बस वही होने वाला है जो अभी तक होते आया है। ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, बस वैसे ही होगा। ठीक है भाई, देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर की तरफ, डबल बॉन्ड आएगा इधर की तरफ, ये वाला डबल बॉन्ड इधर की तरफ, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा भाई, लास्ट स्टेप में ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये इधर की तरफ आएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा। अब ज़रा ध्यान दो, जैसा पहले स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आ गया। तो रेजोनेंस का फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रक्चर को आप कितना भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो, जैसा वो स्टार्टिंग में था बिल्कुल वैसा ही वो लास्ट में आता है। अगर जैसा स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर था वैसा स्ट्रक्चर आपका लास्ट में नहीं आता है तो आप समझ जाओ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है भाई। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो करेक्ट है या नहीं है। चेकिंग का तरीका सबसे बेस्ट ये है कि स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर अगर लास्ट में आ जाए तो करेक्ट प्रेडिक्शन होगा कि आपने एकदम एक्यूरेट स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। देखो भाई करना कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे एक बार में किसी को नहीं आते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ख़राब पढ़ा है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बाद भाई एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार देख लो, ये डबल बॉन्ड इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आया, आ गया भाई। फिर ये डबल बॉन्ड इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। फिर ये डबल बॉन्ड इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। फिर ये डबल बॉन्ड इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। मतलब एक्चुअली आप हाइड एंड सीक गेम जो है वो प्ले कर रहे हो, बस पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में हाइड एंड सीक गेम प्ले हो रहा है। किसके बीच में? पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फिनोमिना है ये भी सारा का सारा आपका क्या है, ये भी सारा का सारा भाई क्या है, रेजोनेंस ही तो है। रेजोनेंस है ये भी आपका सारा का सारा क्या है भाई, रेजोनेंस है। चलिए भाई चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे कोई भी आपका रेजोनेंस है ही नहीं। अब ज़रा ध्यान देना, एकदम सारे के सारे ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि अलाइलिक कार्बोकटाइन जो होता है, मतलब ये वाला,
बेंजाइलिक कार्बोकटायन जो होता है, मतलब ये वाला, वो फास्ट रेट क्यों दिखाता है SN1 में, जबकि अल्काइल कार्बोकटायन तो कुछ भी रेट नहीं दिखाता है, वो आपको ये पूछना चाहता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अलाइलिक कार्बोकटायन में रेजोनेंस वाला फिनोमिना आ रहा है। रेजोनेंस ने क्या किया? रेजोनेंस ने कार्बोकटायन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना दिया। रेजोनेंस ने क्या किया भाई? रेजोनेंस ने इंक्रीज कर दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को। रेजोनेंस ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन को इंक्रीज कर दिया, जिसके वजह से SN1 का रेट बढ़ गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, बेंजाइलिक में भी क्या हो रहा है, बेंजाइलिक में भी तो भाई रेजोनेंस ही हो रहा है, अलाइलिक में भी रेजोनेंस हो रहा है, बेंजाइलिक में भी रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस का फ़ायदा क्या है कि कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जब भी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो आपका SN1 का रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि SN1 का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी को। जबकि अल्काइल कार्बोकटायन जो होता है उसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है, मतलब उसमें कार्बोकटायन उतना स्टेबलाइज नहीं होता, इसलिए उसमें SN1 का रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी नो रेजोनेंस, सो कार्बोकटायन इज नॉट मच स्टेबल, उतना स्टेबल नहीं है। सो शोज लेस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो जिसमें रेजोनेंस रहेगा हाई रेट दिखाएगा SN1 के लिए, क्योंकि कार्बोकटायन स्टेबल है। जिसमें SN1 जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है, उसमें आपका कार्बोकटायन स्टेबल नहीं होता है और उसमें आपका SN1 का रेट भी कम होता है। समझे भाई? लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि जो भी आपके SN1 रिएक्शन का रेट होता है, ज़रा ध्यान देना भाई, एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, जितने भी लोगों ने सीरियसली जितने भी लोगों ने सारे के सारे पार्ट्स को देखा होगा, सारे के सारे वीडियोस वो देखेंगे, मैं उनको गारंटी देती हूँ कि उनका ऑर्गेनिक इतना ख़तरनाक तगड़ा रहेगा ना कि उनसे किसी ने भी आके डाउट पूछ लिया तो आप लोग उनका डाउट भी यू सॉल्व कर पाएंगे, आप इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। ये मैं आप लोग को गारंटी देती हूँ, मेरा मतलब कह सकती हूँ कि प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको इतना परफेक्ट बना दूंगी ऑर्गेनिक में, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको सारे के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बीच में का एक वीडियो भी मिस कर दिया तो एक कंसेप्ट मिस हो जाएगा, और अगर एक कंसेप्ट मिस हो गया तो आने वाले सारे के सारे क्लासेस बिल्कुल नहीं समझेंगे, इस चैप्टर के क्या अगले चैप्टर के भी क्या, क्योंकि इस चैप्टर में जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो अगले चैप्टर में भी आने वाले, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। चलिए भाई देखते हैं हम लोग हमारे प्रॉब्लम नंबर 10.5 को। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉब्लम नंबर 10.5 की, तो प्रॉब्लम नंबर 10.5 में आपको बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN2 मैकेनिज्म एंड वाई। प्रॉब्लम नंबर 10.5 आपको दे रखा है पेज नंबर 2-4 पर। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.5 को। चलिए भाई प्रॉब्लम नंबर 10.5 में आपको पहला कंपाउंड दे रखा है 1-क्लोरोब्यूटेन। तो 1-क्लोरोब्यूटेन कैसा दिया है हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको। ये है आपका 1-क्लोरोब्यूटेन। सेकंड आपको दे रखा है 2-क्लोरोब्यूटेन। चलिए तो देखते हैं हम लोग 2-क्लोरोब्यूटेन को भी। ये है आपका 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है भाई। ज़रा यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ आपकी ये है कि यहाँ पे आपका 1 नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम 1-क्लोरोब्यूटेन इसलिए है क्योंकि 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी 1, 2, 3, 4, ठीक है भाई, तो इसका नाम आपका क्या रहेगा, सेकेंड पोजिशन पर क्लोरीन है तो इसका नाम आपका रहेगा 2-क्लोरोब्यूटेन। जिस पोजीशन पे क्लोरीन रहेगा उतने उसको आप नाम देंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, मैम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की तो 2 नंबर क्लोरीन को मिल रहा है, बट अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की तो फिर तो 3 पोजीशन मिलेगा, तो हम 3 लिखे कि 2 लिखे, आया ना भाई दिमाग में क्वेश्चन। याद रखना जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको मिनिमम नंबर आना चाहिए, उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और फिर क्लोरीन को 3 नंबर मिल जाएगा, और 3 नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर नहीं चलता। फंक्शनल ग्रुप को मतलब ही चाहे हैलोजन हो, अमीन्स हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसको छोटे से छोटा नंबर देना है। तो इस साइड से नंबरिंग देंगे तो 1 और 2, और 2 नंबर जो है वो छोटा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि SN2 से रिएक्शन में कौन फास्ट करेगा, और SN1 में आपको नहीं पूछा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में SN2 ही दिया है, बट अगर पेपर में SN1 आ गया तो सारे के सारे फंस जाएंगे ना भाई, तो आपको मुझे दोनों वे से बताना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि SN1 में कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि SN2 में कौन रिएक्ट फास्ट करेगा। ये दोनों के दोनों चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए उससे पहले आप लोग ज़रा ये चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना भाई सारे के सारे। सबसे पहली चीज़ आपकी ये है, अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी कार्बोकैटायन की, फिर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन की, फिर मैं बात करती हूँ टर्शरी कार्बोकैटायन की, तो इसमें सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि जब मैं मूव करती हूँ प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, तो जो भी आपके SN1 रिएक्शन का रेट होता है, जो भी आपके SN1 रिएक्शन का रेट होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब जैसे मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू टर्शरी की तरफ मूव होती हूँ तो आपके SN1 रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। बिल्कुल उसी का उल्टा होता है आपके SN2 के लिए, जब भी मैं टर्शरी टू सेकेंडरी में जाती हूँ और सेकेंडरी टू प्राइमरी में जाती हूँ तो मेरे SN2 जो भी रिएक्शन का रेट होता है वो इंक्रीज होता है। अब ज़रा याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बस एक ही ट्रिक याद रखना है, टोपी उतारो। क्या याद रखोगे? टोपी उतारो, टोपी उतारो। क्लोरीन है आपकी टोपी, क्लोरीन क्या है भाई? क्लोरीन आपकी टोपी है, टोपी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में रेट का आंसर करने के लिए आपको टोपी को उतारना है, आपको टोपी को उतारना है। टोपी को उतार देंगे भाई, टोपी को उतारना मतलब क्लोरीन को निकालना, टोपी को उतारना मतलब क्लोरीन को निकालना, टोपी को उतारना क्लोरीन को निकालना, समझ गए ना? चलिए आ जाएंगे भाई यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ से क्लोरीन को निकाला तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा आपका CH3, CH2, CH2, CH2। अब यहाँ से मैंने जब क्लोरीन को निकाल दिया, यहाँ से मैंने जब टोपी को निकाल दी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ से भी आप क्लोरीन को निकाल देंगे, मतलब यहाँ से भी आप टोपी को अगर रिमूव कर देते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई? CH3, CH, CH2, CH3। अब यहाँ से आपने टोपी को उतारा है तो जिस कार्बन से आप टोपी को उतारते हो उस कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ज़रा अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये वाला, यहाँ पे किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? मतलब ये वाला, जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ही जो आपका कार्बोकैटायन है वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है ये एक कार्बन से ही डायरेक्टली जुड़ा है। आधे लोग बोलेंगे ये तो तीन तीन से, भाई डायरेक्टली कितने इससे? एक इससे, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर मैं बात करती हूँ इस कार्बोकैटायन की, तो ये वाला कार्बोकैटायन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? ये है आपका एक और ये है आपका दो। कुछ लोग बोलेंगे ये तो मुझे तीन कार्बन से दिख रहा है, लेकिन देखो भाई डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। ये जो आपका कार्बोकैटायन है ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, इसलिए ये आपका क्या रहेगा भाई? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ज़रा आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो, SN1 के लिए कौन फास्ट करता है? SN1 के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी? SN1 के लिए सेकेंडरी का रेट ज़्यादा होता है क्योंकि SN1 का रेट यहाँ से यहाँ जाने पे इंक्रीज़ होता है। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। SN1 का रेट इधर से इधर इंक्रीज़ होता है, मतलब सेकेंडरी के लिए ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं SN1 के रेट की बात करती हूँ तो ये वाला फास्ट दिखाएगा, मतलब मैं ऐसा बोलूँगी कि CH3, CH2, CH2 और CH3, ये आपका जो भी है ये आपका SN1 का रेट फास्टर दिखाएगा एज कम्पेयर टू ये वाला। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये आना चाहिए, टोपी को उतार देंगे। टोपी मतलब ही क्या है? टोपी मतलब ही हैलोजन है, उसको उतार देने का। टोपी को उतार दो, हैलोजन को उतार दो, हैलोजन को उतार दो। जब यहाँ से टोपी को उतारेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब यहाँ से टोपी को उतारेंगे मतलब हैलोजन को निकालेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है इसलिए प्राइमरी,
ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकोटाइन है डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए SN1 का रेट बहुत फास्ट होता है, इसीलिए आपका ये वाला जो होगा है ना, मतलब जो ये वाला कंपाउंड होगा वो आपको बहुत फास्ट SN1 दिखाएगा। और अगर SN2 को ऑर्डर लिखना है तो क्या करेंगे भाई, इसका उल्टा कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे SN2 के लिए। तो क्या लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे CH3 CH2 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 Cl एज कम्पेयर टू ये वाला, ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे, काम इज ख़त्म। यहाँ पे आपको बराबर मेंशन करना है कि ये वाला आपका सेकेंडरी है, ये वाला आपका प्राइमरी है, ये वाला आपका प्राइमरी है, ये वाला आपका सेकेंडरी है। समझे या नहीं समझे भाई? तो सीधी सीधी बात, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का है SN1 हो या SN2 हो, सबसे पहले आप कार्बोकोटाइन बना के चेक कर लो। कार्बोकोटाइन अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि SN2 में तो कार्बोकोटाइन बनता ही नहीं है, फिर मैम ने कार्बोकोटाइन लेके क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछ रखा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SN2 पूछा है, बट अगर पेपर में SN1 आ गया तो क्या करेंगे? तो मुझे दोनों वे से आपको पढ़ाना था, इसीलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसीलिए मुझे कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन करना पड़ा, ठीक है भाई। सेकेंड थिंग आपकी ये है, कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन करना मतलब ही आप एक्चुअली टोपी को उतार दो। टोपी को उतारने के बाद आपके वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आप कार्बोकोटाइन को देख के यूँ पहचान लग सकते हो, ठीक है। कार्बोकोटाइन बोलो या सेकेंडरी अल्किललाइट, प्राइमरी अल्किललाइट को देख के आप यूँ पहचान सकते हो, ठीक है। तो लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, चलिए मूव करते हैं अपने आगे के रिएक्शन की तरफ। आगे के रिएक्शन का नाम है आपका डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, उसी को आप एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, उसी को आप बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, और उसी को आप 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हो। तो चलिए देखते हैं ये वाले रिएक्शन को एकदम फास्टली, बढ़िया तरीके से, फटाफट से। जो आगे का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है आपका, जो भी आगे का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका जो नाम है, उसका नाम है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन तो बोलते ही हो, इसी को आप एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। इसी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बीटा एलिमिनेशन के नाम से। इसी बीटा एलिमिनेशन को आप 1-2 एलिमिनेशन नाम से भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो कितने सारे नाम हैं इस चीज़ के, इसी को आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी बोल सकते हो। अब क्या होगा, कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि अगर आप उस बुक में पढ़ेंगे तो वो आपको लंबे चौड़े पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा हाँ भाई इस रिएक्शन को ये भी बोलते हैं, हाँ भाई इस रिएक्शन को ये भी बोलते हैं। लेकिन आपके पास इतना टाइम का है भाई कि इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ्स को पढ़ते बैठेंगे, बड़ा बोर भी मारता है, आई नो दिस थिंग वेरी वेल। तो आपको मैंने क्या किया, आपका काम इजी कर दिया, आपको वो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको ये डायरेक्टली आपके सामने नेम बिल्कुल रख दिए भाई सामने में। तो अब देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। अब जो आपका आगे का पार्ट है वो आपका क्या है, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये है आपका एक कार्बन, ये है आपका सेकेंड कार्बन, ठीक है भाई। ये है आपका X, ये है आपका H, और यहाँ पे जितने भी आपके कुछ ना कुछ कार्बन होंगे लेटर से। चलिए मैं आपको डायरेक्टली इस चीज़ को बता देती हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए। अब चलिए भाई हम लोग आगे के पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके आगे के पार्ट में कि इसके आगे के पार्ट में क्या होने वाला है। चलिए ज़रा ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ ये है, आप जो होता है जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, ध्यान देना भाई, मैं बहुत बेसिक्स के साथ में कीन कीन पॉइंट्स को बता रही हूँ आपको। जिस कार्बन के साथ में हैलोजन अटैच होता है, एक तो आप उसको अल्फ़ा कार्बन भी बोल सकते हो, या तो आप उसको 1 नंबर भी दे सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप करो। कॉमन नेम में आप उसको अल्फ़ा वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और IUPAC नेम में भाई आप उसको नंबर देते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद है IUPAC और कॉमन नेम एक्सप्लेन करते वक्त। तो ये जो कार्बन है ये आपके हैलोजन से अटैच है, तो आप इसको अल्फ़ा भी बोल सकते हो और कार्बन नंबर 1 भी बोल सकते हैं।
अब आप लोग ही मुझे बता दो भाई, वन के बाद में क्या आता है? टू, तो ये रहेगा आपका टू। अल्फा के बाद में क्या आता है? बीटा। बहुत सारे लोग आपको रट्टा मारवाएंगे, बोलेंगे बेटा जो कार्बन एटम हैलोजन से अटैच रहता है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है उसको अल्फा बोलते हैं। रट्टा मारो, आप ऐसा रट्टा नहीं मारना, सिर्फ इतना याद रखो, फिर वो आपको बताएगा बीटा ये होता है, गामा ये होता है। आप रट्टा मत मारो भाई, सिर्फ देखो ना, जो कार्बन से एक्स जुड़ा हुआ रहेगा, जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा वो अल्फा है। अल्फा के बाजू वाला हमेशा बीटा ही होता है। जो कार्बन अल्फा है उसी को आप वन भी बोलते हो, और वन के बाद में क्या आता है? टू। ठीक है, ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप, आप उस कार्बन को वन भी बोल सकते हो या तो आप उसी कार्बन को अल्फा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उस कार्बन के जो बाजू वाला कार्बन रहता है, मतलब वन के बाद वाला जो कार्बन रहेगा वो क्या रहेगा? वो टू रहेगा। वैसे ही अल्फा के बाद वाला जो कार्बन रहेगा वो क्या रहेगा? बीटा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या जाना कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है, एक तो आप उसको वन भी बोल सकते हो या तो आप उसको अल्फा भी बोल सकते हो। अल्फा के बाद में हमेशा बीटा आता है और वन के बाद में हमेशा टू आता है। समझ गए ना भाई सारे के सारे? तो बस यही वाले केस है, कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये अल्फा है, इसी को आप वन भी बोल सकते हैं। वन के बाद में टू आता है, अल्फा के बाद में बीटा आता है। समझ गए ना भाई? चलिए अब देखो क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये है, पेपर में याद ही नहीं आता ये एलिमिनेशन में क्या होता है, भूल जाते हैं आधे के सारे, क्योंकि आप लोग रट्टा मार के जाते हो कि एलिमिनेशन में ये ही होगा। अब से आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बता रही हूँ। बढ़िया सा ट्रिक जो है भाई वो ये है कि एलिमिनेशन के स्पेलिंग में भी आता है ई, और अल्कीन के स्पेलिंग में भी आता है ई, एलिमिनेशन के स्पेलिंग में भी आता है ई, अल्कीन के स्पेलिंग में भी आता है ई। मतलब ही मैंने क्या जाना, मतलब ही मैंने ये जाना कि हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल दो चीज़ें जानी। पहली चीज़ ये है कि एलिमिनेशन के स्पेलिंग में भी आता है ई, अल्कीन के भी स्पेलिंग में आता है ई, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अल्कीन बनना है, हमेशा अल्कीन ही बनता है और अल्कीन ही बनेगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये है कि इसका नाम बीटा एलिमिनेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक जो है एक एटम अल्फा से निकलता है, एक बीटा से निकलता है, इसीलिए हम लोग उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। सेकंड थिंग ये है, आप इसको वन टू एलिमिनेशन क्यों बोलते हो, क्योंकि एक एटम वन पोजिशन से निकलता है, एक एटम टू पोजिशन से निकलता है, तो आप इसको वन टू एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। अब बढ़ते हैं इसको आगे की तरफ। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आप लेते हो हमेशा अल्कोहलिक KOH, याद रखना है अल्कोहलिक KOH के बिना ये काम नहीं होगा। बुक में यहाँ पे बेस दे रखा है, बट यहाँ बेस कभी लिखते नहीं है, क्योंकि बेस और सॉल्वेंट दोनों के दोनों उसमें आ गए, उसने गलत करके रखा है बुक में। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक एक्स निकलेगा, यहाँ से एक हैलोजन और यहाँ से एक एक्स निकलता है। आप गलती से भी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला एक्स नहीं निकाल सकते। एलिमिनेशन रिएक्शन का रूल ये है कि एक साइड से हैलोजन निकलेगा, एक साइड से हाइड्रोजन निकलेगा, तभी जाके तो अल्कीन बनेगा ना, क्योंकि एलिमिनेशन के स्पेलिंग में भी आता है ई, अल्कीन के भी स्पेलिंग में आता है ई। मतलब ही एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अल्कीन ही बनेगा। किसी के अंदर इतना पावर नहीं है कि एलिमिनेशन में कुछ और बना सके, एलिमिनेशन में अल्कीन बनता है, अल्कीन ही बनेगा, बनता रहेगा। अब कैसे बनेगा, यहाँ से एक हैलोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हैलोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या है, डी हाइड्रोहैलोजनेशन, क्योंकि एक साइड से हाइड्रो एक साइड से हैलोजन, तो डी हाइड्रोहैलोजनेशन। अब देखो भाई आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये है आपका एक कार्बन, ये है आपका सेकेंड कार्बन, यहाँ पे है दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है भाई आपके दो हाइड्रोजन। अब यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब ही क्या बनेगा आपका, मतलब ही आपका अल्कीन बनेगा। समझ गए ना? ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? इतना तो मैंने अभी क्या बताया, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन बनता है। तो बस भाई वही हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। एक एटम अल्फा से निकलेगा, एक बीटा से, या तो एक एटम वन से निकलेगा, एक टू से, इसीलिए बोला है वन टू एलिमिनेशन।
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हैलोजन भी निकल रहा है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे कंडीशन क्या है ज़रा याद रखना, कंडीशन को देख लेते हैं भाई। कंडीशन को, कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, अब कंडीशन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए वो क्या है उसको डिस्कस करते हैं। कंडीशन ये है, द गिवन कंपाउंड शुड हैव बीटा हाइड्रोजन, गिवन कंपाउंड शुड हैव बीटा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एट सेकेंड पोजिशन। ये थोड़ा सा पढ़ने में तो भारी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ज़रा इधर देखो, सपोज़ अगर मैं बात करती हूँ इस टाइप के कंपाउंड की, फिर मैं लेती हूँ सेकेंड वाला कंपाउंड, ज़रा ध्यान देना भाई। अगर आप इस वाले कंपाउंड को देखते हो, ठीक है, ये वाला आपका अल्फ़ा है क्योंकि इससे हैलोजन जुड़ा है, और अल्फ़ा के बाद वाला हमेशा बीटा होता है। अल्फ़ा को ही आप वन बोलते हो और वन के बाद वाला टू रहता है। इस कंपाउंड के अंदर में इस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा है तो यह आपका अल्फ़ा है। अल्फ़ा को ही आप वन भी बोलते हो, अल्फ़ा के बाद में बीटा आता है और वन के बाद में टू आता है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो इस केस के केस में इस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा है तो यह आपका अल्फ़ा है, इसी को आप वन बोलेंगे। अल्फा के बाद वाला बीटा होता है, वन के बाद वाला टू होता है। अब ज़रा इधर देखना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके केस में एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि आपके सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है या नहीं चेक करना है। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है क्या भाई? हाँ, सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है ना, एक रहे ज़्यादा रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है मतलब एलिमिनेशन होगा। इधर आ जाओ, अगर मैं बात करती हूँ इस केस में तो सेकंड पोजीशन पे ही चेक करना, फर्स्ट पे नहीं भाई, कसम खाओ सारे के सारे, सेकंड पोजीशन पे ही चेक करेंगे। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है या नहीं है? हाँ भाई है ना हाइड्रोजन, एलिमिनेशन होगा। अब इधर देखो, इस केस में क्या सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है? नहीं भाई। आधे लोग बोलेंगे मैम ये मिथिल के अंदर में तो हाइड्रोजन है ना। अरे भाई नहीं रे बाबा, डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं, ना तो ये हाइड्रोजन है, ना तो ये हाइड्रोजन है, ना तो ये हाइड्रोजन है, तो ये वाला कंपाउंड आपको एलिमिनेशन नहीं दिखाएगा। एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गए ना, एलिमिनेशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, उसके लिए सबसे पहले कंडीशन आप ये चेक करेंगे कि सेकेंड पोजिशन पर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है या नहीं है कार्बन से। अगर सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो एलिमिनेशन नहीं दिखाएगा। अगर सेकंड पोजीशन पे कम से कम एक भी हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन दिखाएगा। समझे या नहीं समझे? लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब जो आपका आगे का एग्जांपल है वो ये एग्जांपल है कि वो आपको गारंटी देता है कि पेपर में वो 2 मार्क के लिए आके रहेगा, मतलब आके ही रहेगा। और अगर वो एग्जाम्पल आएगा तो ऐसा नहीं कि उसके जगह पे कोई और एग्जामिनर डाल के एग्जाम्पल आपको पूछ लेगा एग्जाम, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल वही पेपर में आता है, ऐसा नहीं कि और कोई आएगा, वो ही आएगा, मतलब वो ही आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वही एग्जाम्पल आएगा, उसके अलावा और कोई आया भी नहीं है और ना ही आएगा। क्योंकि वो एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत ही अलग है, और वो एग्जाम्पल करने के बाद हर किसी को सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाता है। बस भाई एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखने वाले हैं हम लोग उस एग्जाम्पल को, क्योंकि वो एग्जाम्पल एज इट इज़ पेपर में कितने बार आया है भाई, कितने बार, मैं आपको भी बताऊंगी कैसे कैसे आया है। चलिए उससे पहले मैं आपको एक रूल पढ़ा रही हूँ, सिटजेफ रूल। अगर वो रूल आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपको वो रूल अगर आप सपोज़ नहीं पढ़ते हो, तो आप वो वाले एग्जांपल में जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, इतनी सारी तारीफ़ कर रही हूँ, जो कि पेपर में एज इट इज़ डायरेक्टली आता है, वो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको वो वाले रूल का बहुत ज़्यादा
हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वो वाले रूल को। तो सबसे पहला रूल जो मुझे आपको बताना है वो है आपका सेट ज़ेफ रूल। ठीक है, सेट ज़ेफ रूल को बहुत अलग अलग स्पेलिंग से लिखा जाता है, आप बस एक ही स्पेलिंग एक ही नाम से याद रखो, सेट ज़ेफ रूल। नाम बहुत सारे भी रहेंगे लेकिन रूल ही पता नहीं रहेगा तो क्या मतलब, रूल आना चाहिए भाई। रूल देखो क्या कहता है, सपोज़ मैंने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, और सपोज़ मैंने यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया। ज़रा ध्यान देना, एकदम सारे के सारे ध्यान देंगे। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, अब ज़रा भाई एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ध्यान देंगे सारे के सारे, बस इधर देखते जाओ, सब समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाया है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगाया मैंने R। ठीक है, R R हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगाया मैंने इसको, थोड़ा मैं और नज़दीक ले लेती हूँ ताकि चीज़ें और फटाक से हो जाए। यहाँ पे लगाया मैंने R और R, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। चलिए भाई ध्यान से देखना, ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, इतना बढ़िया तरीका है ना मेरे पास, इतनी ख़तरनाक क्वालिटी ट्रिक है ये, तो आप यू सॉल्व कर लेंगे। ज़रा देखना, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर मैं चार पांच फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, लेटर से मैंने एक फ्रेंड सर्कल लिया है जिसमें बेचारा एक अकेला बंदा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिया सेकंड फ्रेंड सर्कल जिसमें दो फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही फ्रेंड था ऐसा समझ लो। फिर यहाँ पे मैंने थर्ड केस लिया जहाँ पे आपके थ्री फ्रेंड्स है। फिर यहाँ पे मैंने फोर्थ केस लिया, यहाँ पे आपके फोर फ्रेंड्स है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्त है, वो ये वाला ग्रुप है। और आप लोगों ने देखा होगा जितना बड़ा आपका फ्रेंड का सर्कल होता है आपका उतना ही ज़्यादा ग्रुप स्टेबल होता है। देखा है भाई सब लोगों ने, सपोज़ मेरे अगर एक ही दोस्त है तो मैं कहीं ना कहीं कम स्टेबल रहूँगी क्योंकि मेरे पास एक ही दोस्त है मेरा दर्द दुख बांटने के लिए। अगर मेरे पास छः सात दोस्त है, छः सात मेरे फ्रेंड्स है, तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है भाई, समझ गए ना। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स रहते हैं, जितने ज़्यादा दोस्त रहते हैं, उतना ज़्यादा आपका फ्रेंड का सर्कल स्टेबल रहता है, उतना ज़्यादा आपका फ्रेंड का ग्रुप स्टेबल रहता है, समझ गए ना भाई। इसलिए तो बोलते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा बनाओ, लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा बनाओ लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वही अब हमारे स्टडीज़ को हार्म करते हैं। तो फ्रेंड्स बनाओ बट इतने बनाओ कि वो हमारे दुख सुख में हमारे पास काम में आ सके, बस इतना अपना रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये चार ग्रुप्स में से मैं बात करूँ तो इस चार ग्रुप में से जो ये वाला ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंड है, है ना। मतलब जो ये वाला ग्रुप है ये कैसा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ दोस्त रहेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ्रेंड का सर्कल, उतना ज़्यादा आपका वो ग्रुप स्टेबल रहेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो, आपको बस इतना इमेजिन करना है कि आर का मतलब आपके फ्रेंड्स है, आर का मतलब ही आपका अल्किल ग्रुप है, और अल्किल ग्रुप मतलब ही फ्रेंड है, ऐसा समझ लो। अगर आप ध्यान देते हो तो आप लोगों ने भाई यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका दोस्त है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त है, सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है भाई। इस केस में आपके दो दो दोस्त हैं, इस केस में भी आपके दो दो दोस्त हैं, और इस केस में तो भाई तीन तीन दोस्त हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्जर्व जो किया भाई वो ये ऑब्जर्व किया, मैं उसको भी रेड से लिख देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि भाई इसमें क्यों ऐसा किया। ठीक है, तो अब आपको बस इतना समझना है, जितने ज़्यादा दोस्त रहेंगे, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स रहेंगे, उतना ज़्यादा फ्रेंड का सर्कल स्टेबल रहेगा, उतना ज़्यादा वो वाला कंपाउंड स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त है, मतलब बेचारा कम स्टेबल रहेगा। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में, मैम यहाँ पे भी तो दो दोस्त है, यहाँ पे भी तो दो अल्किल ग्रुप है, और यहाँ पे भी तो दो अल्किल ग्रुप है, अब इसमें भी है दो, इसमें भी दो, मतलब ये दोनों आपके इक्वली स्टेबल रहेंगे। और यहाँ पे तीन दोस्त है, यहाँ पे तीन अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल का साइज बड़ा है। जितना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल का साइज बड़ा रहेगा, जितने ज़्यादा दोस्त रहेंगे,
जितने ज़्यादा आर ग्रुप रहेंगे, जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे, उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल रहेगा भाई। ये इसमें तीन तीन ग्रुप है, इसमें तीन तीन दोस्त हैं, इसमें तीन तीन फ्रेंड्स हैं, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये है सेटजेफ रूल। क्योंकि मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रही थी वो पेपर में डायरेक्टली एज इट इज डिक्टो आता है, आएगा मतलब डिक्टो ही आएगा, अदरवाइज़ वो आएगा नहीं, और कोई आ ही नहीं सकता है। अब उस कंपाउंड को करने के लिए आपको ये रूल चाहिए, और आधे से ज़्यादा पब्लिक को ये रूल नहीं आता, वो सिर्फ वो कंपाउंड पढ़ लेता है। अब जो वो कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ लेगा और रूल को नहीं आएगा, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो पेपर में आएगा तो भी क्या हो जाएगा, ठीक है भाई? तो याद रखना, जितने ज़्यादा दोस्त रहेंगे, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स रहेंगे, जितने ज़्यादा आर ग्रुप रहेंगे, जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे, उतना ज़्यादा वो वाला कंपाउंड, उतना ज़्यादा आपका फ्रेंड ग्रुप, उतना ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल स्टेबल रहेगा भाई। समझ गए ना? लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो मैं ले रही हूँ, जिसको मैं बता रही हूँ, वहाँ पे लिख दो मिलियन टाइम्स इम्पोर्टेंट, मिलियन टाइम्स इम्पोर्टेंट। अगर आएगा तो एज इट इज़ आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। ये जो मिलियन टाइम्स इम्पोर्टेंट है, ये जनरली 3 मार्क्स के लिए आता है, या तो ये 2 मार्क के लिए आएगा, बट बहुत रेयरली 2 मार्क के लिए आता है। आता है तो 3 मार्क दे के ही जाता है भाई, बहुत कम बार 2 मार्क के लिए आता है। मैक्सिमम केसेस में वो आज तक 3 मार्क के लिए आए, बहुत रेयरली 2 मार्क के लिए आए, ठीक है? आएगा तो डिक्टो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, और कोई नहीं आ सकता इसके जगह, ठीक है? देखो भाई क्या है, नाम है इसका 2-bromobutane, 1, 2, 3, 4, 2-bromobutane। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे ये है, इसका नाम 2-bromobutane क्यों है उसको देख लेते हैं। नाम क्या है भाई इसका? नाम है इसका 2-bromobutane। अब ज़रा ध्यान देना, इसका नाम 2-bromobutane क्यों है? अगर आप ध्यान से देखते हो तो, अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1, 2, 3, 4, ठीक है? हाइड्रोजन को लगा दो भाई, हाइड्रोजन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, हाइड्रोजन को लगा दो। आप ज़रा इधर देखो क्या होगा, आपको यहाँ पे ये याद रखना है, सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है, सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 2-bromo। टोटल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, इसलिए ब्यूटेन, तो 2-bromobutane। यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं दिया? अगर यहाँ से नंबरिंग देते थे तो यहाँ पे थर्ड पोजिशन आता था, बट फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोएस्ट नंबर ही दिया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ अल्फ़ा और बीटा की, तो भाई आप लोग ही ज़रा मुझे देख के बता दो, भाई आप लोग ही ज़रा मुझे देख के बता दो, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, उसको आप कौन सा कार्बन बोलते हो भाई? जल्दी बता दो, अल्फ़ा। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है, उस कार्बन को आप 1 भी बोलते हो। अल्फ़ा के बाद में हमेशा क्या आता है? बीटा। 1 के बाद में हमेशा क्या आता है भाई? 2। समझ गए ना सारे के सारे? चलिए अब बढ़ेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के रिएक्शंस करवा रहे हैं। यहाँ पे भी आप डालेंगे अल्कोहलिक KOH को, और यहाँ पे भी आप डालेंगे अल्कोहलिक KOH को। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये दो दो प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन ही भाई इतनी खास है, अगर आती है तो 3 मार्क दे के जाती है, जबकि इतना कुछ खास करने लायक है नहीं इसमें, लेकिन देखो क्या खास है। अगर आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि यहाँ पे आपका ये हैलोजन 1 पोजीशन पे। चलिए भाई देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे तो ये है, लेकिन ज़रा ध्यान देना, ये 1 के बाद में 2 आता है, सही बात है मैम। अल्फ़ा के बाद में बीटा आता है, सही बात है, लेकिन ये भी तो बाद में आ रहा है अल्फ़ा के, तो ये भी तो बीटा ही हुआ ना भाई। ये 1 के बाद में क्या आएगा? ये भी तो 2 ही हुआ ना भाई। मतलब यहाँ पे 2 केसेस अराइज हो रहे हैं, मेरी आंखों से देखने की कोशिश करो। अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो प्रोडक्ट को कितना भी रट्टा मार लो, पेपर में गलत ही करके आएंगे। एग्जाम कंसेप्ट को समझो, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है आप उसको 1 नंबर देते हो, सही बात। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है आप उसको अल्फ़ा नाम देते हो, करेक्ट। अल्फ़ा के बाद में हमेशा बीटा आता है, 1 के बाद में हमेशा 2 आता है, लेकिन राइट साइड में भी तो वैसा ही हो रहा है भाई। अल्फ़ा के बाद में क्या आएगा? बीटा। 1 के बाद में क्या आएगा? 2। मतलब जैसा ये है वैसा ही तो इसके लिए ये है ना। इस कार्बन के लिए तो ये दोनों भाई समान ही है,
ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, पहला केस आपका ये होगा कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आपका ब्रोमीन निकलेगा, ये होगा आपका फर्स्ट केस, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन। तो देखना ज़रा क्या होगा, देखो ये है आपका कार्बन, ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट कार्बन, ये है आपका थर्ड कार्बन और ये है आपका फोर्थ कार्बन, ये तीन हाइड्रोजन एज इट इज लिख देंगे, ये दो हाइड्रोजन एज इट इज लिख देंगे, जिससे हमें कोई काम नहीं उनको पहले लिख दो, ठीक है भाई। ये हाइड्रोजन को एज इट इज लिख देंगे, ये दोनों हाइड्रोजन को भी एज इट इज लिख देंगे। अब आपने देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ज़रा ध्यान देना, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से आपका ब्रोमीन निकल रहा है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इस कार्बन से ब्रोमीन निकल रहा है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो भाई ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। कुछ लोग अपने मन से कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं करना है। पहले देखो यहाँ से एक कंपाउंड, यहाँ से एक एटम और यहाँ से एक एटम निकल रहा है, तो इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कहीं पे भी लगा देंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, सेकेंड केस में देखो क्या होगा, सेकेंड केस में क्या होगा भाई, सेकेंड केस में ये होगा कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, ये आपका सेकेंड केस है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, सेकेंड केस है। पहला केस क्या था, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से एक्स, ब्रोमीन मतलब ही हाइड्रोजन। सेकेंड केस क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक्स, मतलब यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से एच। अब ये वाला प्रोडक्ट बनाते, चलिए देखेंगे भाई इस वाले प्रोडक्ट को। पहले सबसे पहले चार कार्बन को ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इस कार्बन पे टोटल तीन हाइड्रोजन है, लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, लगा दो। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन को लगा दो, ठीक है भाई। इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन को लगा दो। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ज़रा ध्यान देना, इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकाला है और इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को निकाला है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, पहले देखो भाई यहाँ से एक निकल रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है, तो डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच में आएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से यहाँ लगा देंगे, यहाँ से एक, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड को लगा दिया, ठीक है भाई। अगर मैं बात करती हूँ इसके नाम की, तो इसका जो आपका नाम है वो क्या है, ज़रा देखेंगे, 1 2 3 4। जब भी फोर कार्बन आते हैं तो नाम रहता है आपका ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन होता है, राइट। चलिए अब फर्स्ट पोजिशन पर आपका अल्किन ग्रुप है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 1-ene। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, नाम देते वक्त की नंबरिंग अलग रहती है। टोटल फोर कार्बन है तो आप लिखेंगे ब्यूट, बट सेकंड पोजीशन पे अल्कीन है तो आप लिखेंगे 2-ene। तो यहाँ पे आपने लिखा है ब्यूट 1-ene, यहाँ पे आपने लिखा है ब्यूट 2-ene, ठीक है। अब इतना लिखने से क्या आपको 3 मार्क मिल जाएंगे, नहीं, आपको स्टेबिलिटी भी बतानी पड़ेगी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। चलिए देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल रहेगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो देखा वो ये है कि अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे, जितने ज़्यादा आपके दोस्त रहेंगे, जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल का साइज़ रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका अल्किन या आपका फ्रेंड ग्रुप स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों कार्बन को देखो, ये तो आपका हाइड्रोजन है जो आपके किसी भी काम का नहीं है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अल्किल ग्रुप आपका ये वाला है, यहाँ पे आपका एक अल्किल ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ, कैसा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये जो आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका ये वाला एक अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे आपका ये वाला भी एक अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपके टोटल 2 अल्किल ग्रुप है, ठीक है। अगर अल्किल ग्रुप है 2, अगर फ्रेंड है 2 और यहाँ पे आपका एक ही अल्किल ग्रुप है, एक ही फ्रेंड है, तो 2 फ्रेंड स्टेबल रहते हैं या एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड आपके ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है भाई। 2 फ्रेंड का ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला आपका क्या रहेगा, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, मेजर प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा बनेगा, और मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ वेरी स्टेबल, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ, एक है मेजर तो दूसरा कौन सा रहेगा भाई, माइनर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट को ही आप क्या बोलेंगे, लेस स्टेबल, ठीक है भाई।
तो अब आप लोगों के दिमाग में मुझे पता है कि क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आपने इसको कैसे क्या अल्किल ग्रुप माना। ज़रा ध्यान देना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को ही देखा जाता है, हर जगह पे आप डबल बॉन्डेड कार्बन को ही देखते हो, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, इसको नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते, इसको भी नहीं, लेकिन ये देखा जाए तो ये तो अल्किल ग्रुप है ना, एक पूरा अल्किल ग्रुप है ये। ये आर है आपका, एक ही है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही देखेंगे, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही देखा जाता है। ये हाइड्रोजन है, ये कुछ भी काम का नहीं है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी कुछ भी काम का नहीं। ये आपका एक अल्किल ग्रुप है और ये आपका एक दूसरा अल्किल ग्रुप है, तो टोटल अल्किल ग्रुप कितने हैं भाई? दो। हाइड्रोजन तो कोई काम के है ही नहीं, तो इसलिए दो अल्किल ग्रुप है, ज़्यादा स्टेबल है, फ्रेंड का साइज बड़ा है, तो मेजर प्रोडक्ट। लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट, पेपर में आएगा, पूरे के पूरे 3 मार्क दे के जाएगा। लेकिन 3 मार्क के लिए कंडीशन क्या है, आपको ये बराबर सिस्टमेटिकली लिखना है, दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी दिखानी है। कैसे हो रहा है देखो, मैंने जैसा किया ना बिल्कुल वैसा ही दिखाना। एक यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेंगे, जब यहाँ से निकलेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जब यहाँ से निकलेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। दोनों केस बताएंगे और मेजर माइनर भी बताना है, और रूल का नाम ज़रूर लिखना कि सेटजेफ रूल ने हमें बताया। 3 मार्क मिल जाएंगे, 100% आएगा पेपर में। लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब मैं आपको टोटल 4 रिएक्शन पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान देना है सबको एकदम बढ़िया तरीके से। फटाफट से हम लोग देखेंगे 4 रिएक्शन को। सबसे पहले रिएक्शन मैं पढ़ाने वाली हूँ ग्रिगनार्ड रिएक्शन या ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सेकंड में आपको पढ़ाने वाली हूँ वुड्स रिएक्शन। थर्ड में आपको पढ़ाने वाली हूँ फिटिक रिएक्शन। और फोर्थ में आपको पढ़ाने वाली हूँ वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ऐसे में टोटल आपको 4 रिएक्शंस डिस्कस करवाने वाली हूँ अभी के अभी। चलिए गाइस देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन को, जिसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएक्शन, या उसी को आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोल सकते हो। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला आपका जो नाम है वो है ग्रिगनार्ड रिएक्शन। देखना भाई जरा ग्रिगनार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसी को आप रिएजेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है इसके अंदर में, जरा ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आप लेंगे RX, ठीक है। RX आपका क्या होता है भाई, RX होता है आपका अल्किल हैलाइड, ठीक है। इसके अंदर में आप डालते हो मैग्नीशियम मेटल को, और ये रिएक्शन हमेशा आप करवाते हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाई, जैसे सोडियम की, पोटेशियम की या मैग्नीशियम की, और अगर ड्राई ईथर नहीं डाला, इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है भाई, इतना खतरनाक ब्लास्ट होगा, हम भी जल जाएंगे, टीचर भी जल जाएगा, लेबोरेटरी भी जल जाएगी, स्कूल भी जल जाएगा। इतना खतरनाक वो पॉइजनस होता है, इतना खतरनाक तरीके से वो बर्स्ट होता है ना, बर्न हो जाता है ना, बस भाई देखते रह जाते, बचोगे तब देखोगे ना। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम की रिएक्शन करवाई और उसके अंदर में ड्राई ईथर नहीं डाला, तो गए भाई गए, याद रखने का भाई, ठीक है ना, याद रखने का। ड्राई ईथर नहीं डाला तो 1 मार्क वैसे भी एग्जामिनर काट लेता है आपका, आधा मार्क तो काटेगा ही काटेगा वो। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो इनके बीच में चले जाता है, बीच बीच में, ये वाला सॉन्ग सबने सुना है ना, बीच बीच में, बीच बीच में। मैग्नीशियम कहाँ पे जाता है, बीच बीच में। देखो भाई क्या होगा, ये है आपका R, ठीक है, ये है आपका Mg और ये है आपका X। मैग्नीशियम कहाँ गया, बीच बीच में, मैग्नीशियम कहाँ गया, बीच बीच में। इसी को आप बोलते हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसी को आप क्या बोलते हो भाई, इसी को आप बोलते हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखो क्या होगा, ये जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसकी पहली रिएक्शन देखेंगे RMgX, और इसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन की या रिएजेंट की हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखेंगे। इसके अंदर में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो बुक में दे रखा है CH3OH को, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भाई आपके CH3OH के जगह पे NH3 को, और यहाँ पे हमें रिएक्शन को करवाना है, ठीक है भाई। चलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को करवाने के लिए आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट को फॉर्म करना है। अगर ये फॉर्म नहीं हुआ तो रिएक्शन ही कहाँ से करेंगे। अगर आलू चिप्स बनाना है और घर में आलू ही नहीं रहेंगे तो आलू चिप्स कहाँ से बनाएंगे भाई। इन द सेम फैशन अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवानी है तो पहले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को पकड़ के लाना पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ से रिएक्शन कराएंगे भाई।
आलू ही नहीं रहेंगे तो आलू चिप्स कहाँ से बनाएंगे भाई, यही वाला किस्सा यहाँ पे आ जाएगा। बस पहले आपको क्या करवाना है, मैग्नीशियम को बीच में डालेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखना है बीच बीच में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो भाई क्या होने वाला है, बस देखो आंखें खोल के देखो, बुक में नहीं दिया है क्या हो रहा है, आपको समझेगा नहीं। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ से आपका निकलेगा आर, ध्यान देना भाई, यहाँ से आपका निकलेगा आर, यहाँ से आपका निकलेगा एच, और सबसे पहले क्या बनेगा आर एच, यहाँ से आपका निकलेगा आर और यहाँ से आपका निकलेगा एच और सबसे पहले क्या बनेगा आर एच, आर एच का मतलब ही आपका अल्केन होता है। अब बचेगा क्या, बचा क्या है भाई उसको देखो, जो बच गया उनको जोड़ देंगे, तो बचा है आपका ये और बचा है आपका ये, इन सबको जोड़ देंगे, तो बचा है आपका मैग्नीशियम, उससे जुड़ा है एक्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओ सी एच थ्री टाइम्स। बड़ा इजी था रिएक्शन, बुक में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि बुक वालों ने ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। आप ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो करना क्या है, यहाँ से आर और यहाँ से एच को निकालेंगे, आर एच मतलब अल्केन बना लेंगे, जो बच गया उसको जोड़ देंगे। इधर आ जाओ भाई, ये आपका अमोनिया है, इस अमोनिया को देखो आपको कैसे लिखना है, ज़रा ध्यान देना मेरे तरफ सब देखेंगे, इस अमोनिया को आप कैसे लिखेंगे NH2H के फॉर्म में, ऐसा लिखे बिना अगर डायरेक्टली करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इधर देखो, यहाँ पे ये अमोनिया है या कोई और है, एक नाइट्रोजन है, हाँ, तीन हाइड्रोजन है, हाँ भाई, दो और एक भी तीन ही होता है, मतलब यहाँ भी तीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन है, हाँ भाई एकदम करेक्ट है, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ से निकलेगा R और यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा R और यहाँ से निकलेगा H, और क्या बनाएंगे, सबसे पहले ही बनाएंगे RH, जो कि होता है आपका अल्केन, जो बच गया उसको जोड़ देंगे, जो बच गया उसको जोड़ देंगे और क्या बना लेंगे, MgXNH2। समझे या नहीं समझे, तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन में ये बताया कि सबसे पहले अल्किल हैलाइड के अंदर मैग्नीशियम मेटल को डालेंगे, मैग्नीशियम मेटल बीच में जाएगा, बीच में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। अब मैंने इसकी रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट के साथ में करवाई, यहाँ से R, यहाँ से H, RH मतलब अल्केन, यहाँ से R, यहाँ से H, RH मतलब अल्केन, जो बच गया उनको जोड़ देंगे, जो बच गया उनको जोड़ देंगे। समझ गए ना भाई सारे के सारे। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है भाई आपका वुड्स रिएक्शन। आप ज़रा देखेंगे वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में आप क्या करोगे, वुड्स रिएक्शन में आप लोगे अल्किल हैलाइड को, ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे सोडियम मेटल को। याद रखना है आपको कि मैग्नीशियम मेटल आप ग्रिग्नार्ड रिएजन में डालते हो, सोडियम मेटल आप वुड्स रिएक्शन में डालते हो। यहाँ पे भी आप फिर से एक और RX को लेंगे। बुक में अगर इस रिएक्शन को पढ़ने जाएंगे तो बस भाई कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन तो बुक में ढंग से दिए नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या करके रखा, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब सारे के सारे इधर देखेंगे, अगर मैं कोई भी मेटल को लेती हूँ जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आग लगने का खतरा खतरनाक होता है, तो कैसे बचते हैं, ड्राई इथर को डाल के। ड्राई इथर नहीं डाला भाई तो फंस जाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ज़रा ध्यान देना, यहाँ से आपका X, यहाँ से आपका Na और यहाँ से आपका ये वाला X, ये सब निकलेगा, यहाँ से दो Na और यहाँ से दो हेलोजन निकल करके आपका क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaX। ये बुक में बड़ा बड़ा तरीके से दिया ही नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से एक X ऐसा ही बॉक्स बना के ऐसे ही लिखना है, अदरवाइज रिएक्शन गलत हो जाएगी। यहाँ से X, यहाँ से दो Na और यहाँ से X, Na भी है दो, X भी है दो, हेलोजन भी है दो, Na भी है दो, तो क्या बनेगा टोटल, ट्वाइस ऑफ NaX। अब बचा क्या है, बचा है यहाँ पे आपका R और बचा है यहाँ पे आपका R, इन दोनों R को जोड़ देंगे भाई, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा RR, और इस RR का मतलब भी क्या होता है, अल्केन, समझ गए ना। तो यहाँ से Na और यहाँ से X, NaX बना लेंगे, यहाँ बचा R, यहाँ बचा R, इनको जोड़ के अल्केन बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ इस वाले एग्जाम्पल की CH3X की, ठीक है भाई, इसके अंदर में मैं डाल रही हूँ ट्वाइस ऑफ Na और यहाँ पे भी मैंने CH3X को ही लिया है, लेकिन देखो ज़रा कि मैंने CH3X को किस तरीके से अरेंज किया है, एक को ऐसा लिखेंगे, एक को उल्टा लिखेंगे,
ये भी रिएक्शन आपकी ड्राई इथर के प्रेजेंस में होंगी, ज़रा देखना क्या होगा। यहाँ से आपका निकलेगा एक्स, यहाँ से आपका निकलेगा एन ए, और यहाँ से आपका निकलेगा एक्स। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा आपका सबसे पहले ट्वाइस ऑफ एन ए एक्स। ठीक है भाई, यहाँ से एन ए, यहाँ से एक्स, ट्वाइस ऑफ एन ए एक्स। अब बचा क्या है, बचा है यहाँ पे आपका सी एच थ्री, यहाँ पे भी आपका सी एच थ्री। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सी एच थ्री, सी एच थ्री जो कि आपका अल्केन है, उसी को आप इथेन भी बोल सकते हो। समझ गए ना, पहले इसको निकाल दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, अल्केन या इथेन उसको बोल सकते हैं। समझ गए भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करती हूँ C2H5Br की, यहाँ पे मैं लूँगी ट्वाइस ऑफ Na को, यहाँ पे भी मैं डालूँगी C2H5Br को। बुक में बराबर अरेंज नहीं किया, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाले C2H5Br को ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमेशा ये वाली रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई इथर के प्रेजेंस में। सबसे पहले होता क्या है रिएक्शन में, यहाँ से एक्स, यहाँ से एन ए, और यहाँ से एक्स निकल करके आपके बनेंगे ट्वाइस ऑफ एन ए बी आर। ठीक है भाई, यहाँ से एन ए, यहाँ से एक्स, ट्वाइस ऑफ एन ए एक्स या ट्वाइस ऑफ एन ए बी आर। बचा क्या है, यहाँ बचा है सी टू एच फाइव, यहाँ बचा है सी टू एच फाइव। इन दोनों को जोड़ देंगे और क्या बना लेंगे, सी टू एच फाइव, सिंगल बॉन्ड सी टू एच फाइव। इसी को आप अल्केन भी बोल सकते हो, और इसी में टोटल चार कार्बन है तो इसी को आप ब्यूटेन भी बोल सकते हो। समझ गए, अगर अल्केन के नेम नहीं आते तो एटलीस्ट भाई अल्केन तो भी लिख के आ जाओ, अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लिख दो, करना कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर आ जाए ना, बस करना एक ही चीज़ है भाई, इसको बीच वाले पार्ट को निकाल देना। लेकिन लिखा देखो मैंने कैसा है, इसको उल्टा लिखना पड़ता है तभी जाके रिएक्शन आसान होती है, अदरवाइज सोचते बैठो तो होता ही नहीं है, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ऐसे ही करना। ये बीच के पार्ट को निकाल दिया तो जो बच गया उनको ज्वाइन करके लिख देने का। ठीक है, लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट सारे के सारे। ओके देन, लेट्स स्टॉप हियर गाइस, बिकॉज द कोर्स इज़ वेरी वास्ट, चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी बिग, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर द होल चैप्टर इन दिस क्लास इट्सेल्फ, सो आई एम गोइंग टू टेक द क्लास इन द नेक्स्ट सेशन। अब सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है, यहाँ पे एक हाइब्रिड वाला भी केस है, ये तो सेल्फ सेल्फ वाला केस हुआ, मिथिल हैलाइड के साथ में, इथिल हैलाइड के साथ में। मिक्स वाला केस मैंने नहीं बताया है, मिथिल और इथिल का, और मिक्स वाला केस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊंगी, क्योंकि मिक्स वाला जो रिएक्शन है वो लगभग आपका ये पूरा वाइट बोर्ड ले लेगा। ठीक है, तो उतना टाइम अभी है नहीं, और उतना स्पेस भी अभी नहीं है भाई, और उतनी आप लोगों के अंदर एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि आई नो सारे के सारे टायर्ड हो चुके हो, बोर्ड हो चुके हैं, आई नो दिस। तो ठीक है भाई, इधर स्टॉप करते हैं, सेल्फ वाला पढ़ा दिया है, हाइब्रिड वाला, क्रॉस वाला मैं नेक्स्ट वाले क्लास में याद से लूँगी। ऐसा मत सोचना कि वो हार्ड है तो मैंने छोड़ दिया भाई, अपने लिए जैसे सारे के सारे एक जैसे है भाई, सब कुछ यू है, तो अपन देखते हैं उसको नेक्स्ट वाले क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू।